ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पे एक रीडिंग बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सिंगल हैं, किसी को पसंद करते हैं, कोई ऐसा पर्सन है, कोई क्रश है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके दिलो दिमाग में रहता है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, या सेपरेशन में है, या कोई भी डिसीजन आपको लाइफ में लेना है उस पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, इसमें मैं उनकी फीलिंग्स एंड इंटेंशन निकालूंगी, उनकी तरफ से दो लव मैसेजेस निकालूंगी, एंड फाइनली आपको क्या करना चाहिए आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है। और एक बात और फ्रेंड्स, मैं जो कहना चाहती हूँ, अगर किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दी है, आप लोग मुझे डायरेक्टली उस पे ही ईमेल करें और फिर मैं आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स करके आपको सब कुछ एग्जैक्टली बताऊंगी कि कैसे आपने रीडिंग बुक करनी है, ठीक है। तो मैं, ना ही मेरा कोई नंबर है एज ऑफ नाउ, तो कोई भी किसी भी तरह के कमेंट सेक्शन में किसी तरह के फ्रॉड में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग कमेंट्स में भी बहुत तरह से फ्रॉड्स कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, जितनी आपसे मैच हो उतनी लीजिएगा, ज़बरदस्ती कुछ फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है, आप अपने ऊपर। ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट, सो लिब्रा राशि, देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी करेंट फीलिंग्स। वाव, एम्प्रेस से शुरू हो रही है रीडिंग आपकी, ब्यूटीफुल कार्ड। ये क्या हो गया, टावर क्यों आ गया, फोर ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो रीडिंग वाइज लिब्रा राशि, अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर और आपके बीच में एक टावर मोमेंट तो आया है, या तो पास्ट में आया या अभी भी चल रहा है वो टावर मोमेंट। वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, या उन्होंने अब तक भी लगाए हैं, या आगे भी लगाना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं। बट उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना एफर्ट लगाने के बाद, अल्टीमेटली ये टावर मोमेंट आ गया, ये सिचुएशन ने उनको दिया, ये मिलना था, उदासी ही मिलनी थी, सैडनेस ही मिलनी थी, तो अब ना उन्होंने थोड़ी सी बैक सीट ले ली है। अब उन्हें लगता है कि यार ज़रा शांति से रह के ना ज़रा देखूँ मैं दूर बैठ के, तो फीलिंग्स हैं अभी भी वो। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि वो आपको उछल उछल के आपको फीलिंग्स दिखाएंगे, बातें बताएंगे, चीज़ें करेंगे, तो अभी वो आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे आगे आएंगे, अभी वो उस तरफ से भाग भाग कर आपको नहीं चीज़ें बताने वाले, ये उनकी फीलिंग्स हैं। इंटेंशन वाइज क्या है, क्या उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। देखो इंटेंशन वाइज ये है, ये जो भी टावर मोमेंट आया है, जो भी ये एंडिंग हुई है, हो सकता है आप दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत बंद ही कर दी हो, अभी फ़िलहाल आप हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, हील कर रहे हैं वो खुद को, इनको थोड़ा सा समय दो, हबड़ा तबड़ी मत मचाना किसी चीज़ में, क्योंकि रिलेशनशिप में आपने भी मेहनत की होगी और उन्होंने भी, वो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त, तो उनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बट दे आर बैडली हर्ट इस टाइम, वो बहुत ज़्यादा वाउंडेड हैं, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, और वो ग्रोथ और अपने लिए अब शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे आगे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ठीक किया जाए, तो आप उन्हें कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, उन्होंने फ़िलहाल चीज़ों को डिवाइन पे, भगवान पे डाल दिया है कि हे भगवान, ये जो बुरा समय आया इसे कैसे निकाल के नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को ले कर जाऊँ। थोड़ा सा इस टाइम उनको समय दें और वो इन चीज़ों से उभरेंगे, हीलिंग मोड में है, तो जब कोई हीलिंग कर रहा होता है तो उस टाइम उसे ज़्यादा इरिटेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत बातचीत उनसे रखें, बोलें, छोड़े ना उनका साथ, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो पेन में तो हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं उनके लव मैसेजेस निकालती हूँ, क्या है उनके लव मैसेजेस, यू होल्ड मी टाइट। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है जब somebody hold the other person tight, है ना, तो
हग करता है, तो वो वाली एक बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस वाली फीलिंग आती है उनको। एंड अगला, यू मेक मी अ बेटर पर्सन, तो आपकी प्रेजेंस उनको एक कहीं ना कहीं ग्रोथ में और एक अच्छा इंसान बनने के लिए आगे प्रेरित करती है, ये उनकी फीलिंग है। तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा सा डगमगा रखे हैं, जैसे कि हमने रीडिंग में देखा है। तो उसी डगमगाई हुई फीलिंग्स में, रीडिंग में जो मुझे नज़र आया है, वो थोड़ा सा आपको उन चीज़ों पे वर्क करना है कि कैसे आपको उन्हें संभालना है इस सिचुएशन में, कहीं बिखर ना जाए चीज़ें, ठीक है। अगला है डिवाइन गाइडेंस, देखते हैं। फॉर लिब्रा राशि, ट्रुथ, तो देखो सच्चाई को समझो पहले, तो देखो कि क्या है सच, क्या है, क्या आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं, उनकी तरफ से हुई हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, या आप सच से तो नहीं मुंह मोड़ रहे, या वो तो नहीं भाग रहे। थोड़ा सा इन चीज़ों को क्लैरिफाई करो, और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बैलेंस करने के लिए भी बोला जा रहा है, पास्ट और फ्यूचर के लिए बीच में एक क्रॉस रोड पे एक इंसान खड़ा है, तो क्रॉस रोड पे मत खड़े हो, एक बैलेंस करो चीज़ों को, सच्चाई को समझो, चीज़ों को आगे नेक्स्ट लेवल लेके कैसे जाना है सच्चाई के साथ, छुपाया तो नहीं हुआ कोई बात, तो वो बताओ। और अगला है स्पिरिचुअल यूनियन, तो ये जो भी पर्सन, देख रहे हो 220, तो 2 और 20, ये जो भी है ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है आप दोनों की, ये जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग लेसन देने की कोशिश की है डिवाइन ने आपको, तो उस लेसन को समझो, उससे सीखो कि क्यों मेरे को डिवाइन ने इसी पर्सन से मिलाया, क्यों मुझे इसके पीछे क्या रीजंस थे, मैं ऐसी कौन सी गलती कर रही थी या था जिसकी वजह से आज तक मैंने इतना सफ़र किया या अब सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये थी आपके डिवाइन गाइडेंस लिब्रा राशि फॉर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर वाली रीडिंग में। होप एनर्जी मैच हुई हो, क्लेम करना एनर्जी को अगर मैच हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।